हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, आज जो इंस्ट्रूमेंट हमारे हाथ में है, आज जो टूल हमारे हाथ में है, उसको कहते हैं, ये मेज़रिंग टूल है और इसे प्रिसीजन मेज़रिंग टूल भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है डायल वर्नियर कैलिपर। आप सभी को याद होगा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में बताया था। आज मैं आपको डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में बताऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके नाम क्या हैं पार्ट्स के। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको जो बताया हुआ है, ये है आउटसाइड जॉ, जिसमें ये वाला जॉ फिक्स जॉ है और ये वाला जॉ जो है वो मूवेबल जॉ है। फिक्स जॉ को ही रेफरेंस जॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी को या जो भी पार्ट है उसको हम पहले टच इस पर कराते हैं, ठीक है? उसके बाद देखिए, ये इनसाइड जॉ है। इनसाइड जॉ में भी ये आपका हो गया फिक्स जॉ और ये हो गया आपका मूवेबल जॉ। उसके बाद देखिए, ये जो आपको डायल दिखाई दे रहा है, ये डायल है, इसको कहते हैं डायल गेज। इसको क्या कहते हैं? डायल गेज। ये लॉकिंग स्क्रू है, ध्यान दीजिए, ये जो स्क्रू आपको दिखाई दे रहा है, ये डायल को टाइट या लूज करने के लिए होता है। इसे डायल लॉकिंग स्क्रू भी कह सकते हैं, ठीक है? देखिए, इससे क्या होता है, आप डायल को रोटेट कर सकते हैं और इसको टाइट कर देंगे तो जहाँ पे आप टाइट कर देंगे वहाँ पे डायल टाइट हो जाएगा। जनरली जब हम, ध्यान दीजिए, जब हम दोनों जॉ को पास पास ले आते हैं, ध्यान दीजिए, तब हम इसे ज़ीरो पर सेट कर लेते हैं। याद रखिएगा, जब हमारे दोनों जॉ पास पास हों तब हम इसे ज़ीरो पे सेट करके लॉक कर देते हैं। इस बात का हमें याद रखना है। देखिए, हमने इसे ज़ीरो पे लाके लॉक कर दिया है, ठीक है? अगली चीज़ देख लीजिए, आपको पता है पीछे की तरफ यहाँ पर डेप्थ गेज होता है। डेप्थ गेज कैसे काम करता है आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। आज हम फिर से इसकी मेज़रमेंट निकालना सीखेंगे डायल की सहायता से, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कि डायल वर्नियर कैलिपर किस प्रकार काम करता है। और सबसे पहले ये भी जान लेते हैं कि आखिरकार हमने इसे बनाया क्यों। जब वर्नियर से हमारा काम चल रहा था, सिंपल वर्नियर से हमारा काम चल रहा था, तो हमने डायल कैलिपर क्यों बनाया? तो देखिए, सबसे पहली बात कि डायल कैलिपर में हमें वो कैलकुलेशंस नहीं करने पड़ते हैं जो हमें वर्नियर में करने पड़ते हैं, ठीक है? जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हमें जो फार्मूला लगाना पड़ता था, मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न वाला जो फार्मूला था, वो हमें इसमें नहीं लगाना पड़ता है। इसमें हमें करना क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें बस हमें इस डायल के ग्रेजुएशंस का मान पता होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशंस क्या हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए, ये डायल आपको दिखाई दे रहा होगा, 0 से 90 तक की गिनती आपको दिखाई दे रही होगी, ध्यान दीजिए, और उसके आगे भी 10 लाइनें बनी हुई हैं, ध्यान दीजिए अगर आप। तो इसका मतलब क्या है कि ये 0 से अगर यहाँ पर वापस आ रहा है तो ये 100 डिवीजन्स में बटा हुआ है। कितने डिवीजन्स में बटा हुआ है? 100, ठीक है? और इसका लीस्ट काउंट कितना है वो भी देख लीजिए। देखिए, वैसे तो ये डायल पे लिखा हुआ है, लीस्ट काउंट कितना लिखा हुआ है, 0.01 mm, ठीक है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप एक खाना आगे बढ़ेंगे तो आप कितना चलेंगे, 0.01 mm, ठीक है? ये बात याद रखिएगा। फिर से देख लीजिए कि ये लीस्ट काउंट क्या दिखाता है, ये लीस्ट काउंट ये दिखाता है कि जब आप एक डिवीज़न आगे बढ़ेंगे तब आप 0.01 mm आगे आ जाएंगे, ठीक है? अगली चीज़ देखिए, किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखिए, ये आपको मैं, ये देखिए, आपको यहाँ पर एक ये टीथ दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं ये टीथ। अब ये जो टीथ है ना, ये रैक है। ये क्या है? रैक है। रैक एक प्रकार का गियर होता है, ध्यान दीजिए, रैक एक प्रकार का गियर होता है जो कि स्ट्रेट होता है, जिसका डाया जो है वो इनफिनाइट होता है। जिस चीज़ का डाया इनफिनाइट होता है वो एक्चुअली सीधी लाइन होती है, ये बात आपको हम क्लास में भी बता चुके हैं, ठीक है? तो सीधी लाइन है ये। अगली चीज़ क्या है, अंदर इसके पिनियन लगा हुआ है, ठीक है? पिनियन ही, ध्यान दीजिए, पिनियन ही इस पॉइंटर को रोटेट करा रहा है। ये जो ऊपर रोटेट हो रहा है इसको पॉइंटर कहते हैं, ठीक है? तो हमने क्या क्या जान लिया, हमने जान लिया कि जो ऊपर रोटेट हो रहा है वो पॉइंटर है, ठीक है? ये स्लाइड जो है वो रैक है और अंदर पिनियन लगा होगा। इसका मतलब ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है?
चलिए अब रीडिंग लेना सीखते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिए, एक रीडिंग मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए मुझे रीडिंग लेनी है 10.96। मुझे रीडिंग कितनी लेनी है, इसको ध्यान से देखिए। मान लीजिए मुझे रीडिंग लेनी है 10.96। तो इस 10.96 की रीडिंग को हम डायल गेज पर किस प्रकार लेंगे, पहले तो ये देख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम धीरे धीरे स्लाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कहाँ तक, मेन स्केल को देखिए। अभी मेन स्केल को धीरे धीरे स्लाइड करते करते कहाँ पे लाएंगे, जब आपको 10 दिखाई देने लगे। देखिए, ये 10 आपको दिख रहा है, देखिए। अच्छा, देखिए, जब आप 10 को पार करेंगे, ध्यान दीजिए, उसी समय ये 0 को पार करेगा। इस पॉइंटर को देखिए, ये 10 वाली लाइन को मैंने पार किया और पॉइंटर जो है वो 0 से आगे आ गया। इसका क्या मतलब है पता है? इसका मतलब है जब ये 0 पे आया होगा ना एग्जैक्ट, तब हम एग्जैक्टली 10 mm पे होंगे। फिर से देखिए, मैं यहाँ से आया, मैं धीरे धीरे इसको ओपन कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ रीडिंग को, तो जब मैं 10 पे पहुँचने वाला, देखिए ये 1 दिखा और ये जब 10 वाली लाइन दिखेगी ना, ये बड़ी वाली लाइन दिख रही है, पहले मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो 10 वाली लाइन है वो थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, ये मैं पीछे आता हूँ, अब ये देखिए, एग्जैक्ट जब ये 10 पे पहुँची होगी, ध्यान दीजिए, जब एग्जैक्ट ये 10 पे पहुँची होगी तब ये पॉइंटर जो है वो 0 पे आया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमें मेन स्केल को सेट करना आना चाहिए। तो इस बार मैंने कैसे बताया कि जब 10 वाली बड़ी वाली लाइन पे पहुँचेगा, एग्जैक्ट किसी भी लाइन पे पहुँचेगा, समझो 10 पे पहुँचना है तो 10, अगर 11 पे पहुँचना है तो 11 वाली, 10 वाली लाइन तो खुल चुकी होगी, लेकिन जैसे ही आप 11 पे पहुँचेंगे ये 0 पे पहुँचेगा, ठीक है। फिर 12 पे पहुँचना है तो 11 वाली खुल चुकी होगी और 12 वाली एग्जैक्ट 0 पे आ जाएगी, ठीक है। ये प्लास्टिक वाली जो लाइन है उसको ध्यान से देखिए, इसको गलत नहीं करना है। फिर से समझ लीजिए, जब एक खाना आगे आएंगे, देखिए 0 है तो 0 पे, जैसे ही एक खाना आप आएंगे आगे, तो इसका मतलब क्या है, आप 1 mm आगे आ गए हैं, आप 1 mm आगे आ गए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये डायल एक चक्कर पूरा करता है तब जो मेन स्केल जो है वो 1 mm स्लाइड होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे रैक और पिनियन की जो पिच है, ध्यान दीजिए, जो हमारे रैक एंड पिनियन की पिच है वो 1 mm है, ठीक है। पिच होती क्या है, देखिए पिच वह डिस्टेंस है, देखिए जितनी देर में ये पॉइंटर एक चक्कर लगाता है उतनी दूरी में आप जो हैं वो एक दांत से दूसरे दांत पे आ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, दो दांतों के बीच की दूरी, अगर दांतों के बीच के सेंटर को लिया जाए, एक दांत के सेंटर को ले लिया जाए, जैसे ये देखिए दो दांते आपको दिख रहे होंगे, इससे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी पिच कहलाएगी। अगर आप रैक में देखें, यहाँ पर देखिए ये जो दो दांते आपको दिख रहे हैं, इन दो दांतों के बीच में, दांते तो यहाँ पे कई सारे हैं, लेकिन कोई भी दो दांते ले लीजिए, और उनके बीच की दूरी को जब निकालेंगे तो वो 1 mm आएगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग निकाल के देखते हैं। 10.96 मैंने बताया, तो देखिए 10.96 कैसे आएगा, ये हम पहले तो यहाँ 10 पे आएंगे, ये देखिए ये 10 को पार कर जाइए आप, लेकिन अब वापस 10 पे आइए, ठीक है। ये आप जैसे ही 10 पे आएंगे, तो जब आप एग्जैक्ट 10 पे पहुँचेंगे तो ये डायल जो है वो 0 इंडिकेट करेगा, ये बात याद रखिएगा, अभी आप नहीं पहुँचे हैं, अब आप एग्जैक्टली 10 पे हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें 0.96 लेना है, 10 तो हमने कर लिया, 0.96 का मतलब क्या है, देखिए 0.96 का मतलब है कि आप 9 पे पहुंचिए, पहले देखिए यहाँ 9 पे पहुंचिए और फिर इसके आगे 6 पे पहुंचिए,
तो ये हो गया आपका 96, ये है 10.96। ठीक है, फिर से समझिए, सबसे पहले 10 पे पहुंचिए, सबसे पहले पहुंचिए 10 पे और फिर 96 पर आइए। ठीक है, 10 के आगे 96। ठीक है, अब इससे हम तीनों प्रकार की मेज़रमेंट ले सकते हैं, आउटसाइड इनसाइड। एक मेज़रमेंट लेके दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे तो देखिए, मान लीजिए कि हमें इस जॉब का थिकनेस निकालना है। ठीक है, इस जॉब की हमें थिकनेस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे रेफरेंस जॉ के पास में रखेंगे और वर्नियर को स्लाइड कराएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं, आपको याद होगा, बिना प्रेशर डाले दोनों तरफ टच होने लगे तब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, इस जॉब को हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए, हम चेक करेंगे कि हमारी रीडिंग कितनी आई है, तो पहले आप इसे थोड़ा टाइट कर लीजिए। अब देखिए हमारी रीडिंग कितनी आई है, तो सबसे पहले तो ग्रेजुएशंस को गिनने की कोशिश करिए। ठीक है, तो देखिए हमारी रीडिंग कितनी आई है, अगर आप खानों को गिन सकते हैं तो खानों को गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5। वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये जो बीच वाली लाइन है वहाँ तक 5 हो गए होंगे, उसके बाद 6, 7, 8, 9, यानी कि ये जो थिकनेस थी वो 9 mm तो है, पर 9 mm के आगे कितनी है, तो ध्यान दीजिए 9 mm के आगे हम आ गए हैं 39 पे। कितने पे आ गए हैं, 39 पे, लगभग 39 पे नहीं है, 39 से भी पीछे हैं, दोनों के बीच में हैं। ठीक है, तो आप इसे 39 नहीं लेंगे, आप इसे 38 लेंगे। ठीक है, जब तक 39 ना पहुँचे तब तक आप पीछे वाली रीडिंग लेते हैं। ठीक है, तो अब इस रीडिंग को हम कितना कह सकते हैं, इस रीडिंग को हम कह सकते हैं 9.38। ठीक है, इस रीडिंग को हम क्या कह सकते हैं, 9.38। चलिए इनसाइड एक मेज़रमेंट लेके देख लेते हैं, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनसाइड थिकनेस कैसे ली जाएगी। तो देखिए ये एक जॉब है हमारे पास, इसका हम इनसाइड थिकनेस ले लेते हैं, तो अगर आप इसको ऐसे स्लाइड कराएंगे और दोनों तरफ ये टच हो जाए, ध्यान दें ये दोनों तरफ टच होने लगे, तब आप क्या करेंगे, इसे स्लाइटली बाहर निकाल लेंगे। इसको स्लाइटली बाहर निकालने के बाद ध्यान दीजिए, इसको टाइट कर लीजिए जिससे आपका ये डायल हिले नहीं। अब देखिए रीडिंग कितनी आई है, तो फिर से हम ग्रेजुएशंस को गिनेंगे, तो 40 तक तो आ चुके हैं, यानी 40 mm। उसके बाद कितने खाने खुल चुके हैं, 41, 42, 43, 44, 40 तक आ चुके हैं, यानी कि 40 तक आ चुके हैं, 41, 42, 43, 44 तक तो खुल चुका है। ठीक है, लेकिन 44 के आगे 45 नहीं खुला है, तो इसका मतलब है कि मेन स्केल रीडिंग तो 44 ही रहेगी। अब 45 के लिए ध्यान दीजिए, हमें 45 नहीं मिला है, तो वो बाकी की रीडिंग हमें इस डायल से लेनी पड़ेगी। देखिए इस डायल में रीडिंग कितनी आ रही है, 50 के आगे जा चुके हैं, 55 के भी देखिए अगर ध्यान दें तो 55 से थोड़ा सा आगे हैं, लेकिन 56 पर नहीं पहुँचे हैं, तो इसका मतलब क्या है, रीडिंग 55 ली जाएगी। जिस पे पहुँचे नहीं हैं उस रीडिंग को नहीं लिखते हैं, जिसको पार कर गए हैं उसी रीडिंग को लिखेंगे। तो अब रीडिंग कितनी हो जाएगी, अब देखिए मेन स्केल की 44 और डायल की रीडिंग आई है 55, तो हमारी टोटल रीडिंग कितनी हो जाएगी, 44.55। अगली चीज़ देखते हैं कि कोई डेप्थ कैसे लेंगे। तो देखिए ये आपको पता है कि वर्नियर में पीछे की तरफ जो स्टीम होती है वो डेप्थ को मेज़र करती है। देखिए डेप्थ मेज़र करने के लिए मेरे पास ये एक ब्लाइंड होल है, आप क्या करेंगे, ध्यान दें, आप इसमें वर्नियर को रखेंगे और स्लाइड कराएंगे। ठीक है, इस प्रकार से मैं आपको सामने से रख के दिखा दे रहा हूँ, पर जब भी इसे करते हैं तो इसे परपेंडिकुलर रख के ही करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, मैं इसको यहाँ नीचे रख दे रहा हूँ और इसमें वर्नियर को रखते हैं और नीचे की तरफ वर्नियर को स्लाइड कराते हैं। वर्नियर स्लाइड होना जब बंद हो जाए तब आप वर्नियर को बाहर निकाल लीजिए और रीडिंग को चेक कर लीजिए। रीडिंग को चेक करने से पहले आप इसे लॉक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमारी रीडिंग कितनी आई है,
तो दिखाई दे रहा होगा कि 5 के आगे चला गया है, यानी कि 5 mm के आगे गया है, लेकिन 6 खुला नहीं है, क्योंकि अगर 6 खुल गया होता तो ये 0 पे पहुंच जाता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि वैल्यू 5 point something आएगी, ठीक है। अब वैल्यू आएगी कितनी वो देख लीजिए, तो 80 तक गया है, 81 और 82 याद रखिएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग कितनी आएगी, ये रीडिंग आएगी आपकी 5.82, ये रीडिंग कितनी आएगी 5.82। तो इस प्रकार से हम डायल से तीनों प्रकार की रीडिंग लिख सकते हैं, और कोई भी रीडिंग बनानी हो तो आप आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि एक चक्कर में ये डायल चलता कितना है, और यहाँ पर एक चक्कर में कितना चल रहा है, 1 mm, ठीक है। ये 1 mm जब चलता है तब ये डायल पूरा का पूरा, ये पॉइंटर जो है वो पूरा का पूरा घूम जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये हमारे लिए कुछ जानकारी थी डायल वर्नियर कैलिपर के बारे में। एक बात और याद रखिएगा कि जो गलतियां जो हैं हमारी हो जाती थी सिंपल वर्नियर में, वो इसमें नहीं होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, वहाँ पर वर्नियर कोइंसाइडिंग डिवीज़न ढूंढने में भी प्रॉब्लम होती थी, उसमें पैरेलेक्स एरर भी हो सकती है। पैरेलेक्स एरर कैसे हो सकती है, ध्यान दीजिए। देखिए पैरेलेक्स एरर क्या होती है कि मान लीजिए इस ये एक फिंगर है, इसको आप एक आंख बंद करके देखेंगे तो ये आपको थोड़ी राइट में दिखाई देगी, और जब आप दूसरी आंख बंद करके देखेंगे तो ये थोड़ी लेफ्ट में दिखाई देगी। तो होता क्या है कि पैरेलेक्स में चीज़ आपको थोड़ी सी शिफ्टेड दिखाई देती है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। डायल कैलिपर में वो एरर भी नहीं होती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि डिजिटल माइक्रोमीटर किस प्रकार काम करता है। धन्यवाद।